नाम क्या आपका भैया? भोला तिवारी। सच में भोले भी बहुत हो आप, बहुत प्यारी मासूम सा चेहरा है आपका। चेहरा भगवान ऐसा बना दिए। रोहिणी रहते हो यहाँ पे, मतलब द्वारका आते रहते हो? अच्छा, तो घर में बच्चे भी हैं आपके? बच्चे नहीं है। तो ये जो हुआ है सिर्फ पोलियो की वजह से हुआ है? हाँ, पोलियो मार दिए बाद में, दो साल तक से। तो बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते, चल भी नहीं पाते आप? चलो इसी तरह अभी आए आपके साथ। खड़े होकर दिखाओ। खड़े नहीं हो पाते। कितना होता, कितना हो पाते हो आप? थोड़ी से होते हो। ओहो, इतने ही चलते जमीन पे हाथ रखते हैं। ये तो देखिए हाथ ऐसे दस रखते हो गए। तो इसमें चप्पल पहन के अगर चलोगे तो दिक्कत आएगी? नहीं नहीं, आराम ही तो मिलेगा आपको। नहीं चल पाते, फोड़ा उड़ जाता है इससे। अच्छा, ये क्या हुआ पैर पे? ऐसे पकड़ते हो गए। अच्छा, पकड़ने पे वो थोड़ा, मतलब 20 साल से ऐसे चल रहे हो तो उसमें निशान पड़ गए। हाँ। दिखाओ एक बार। फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में गांव में सब रहते हैं, मम्मी पापा। यहाँ रोहिणी में कहाँ रहते हो आप? यहाँ पे नाहरपुर में रहते हैं। अकेले? तो रेंट रेंट पे रहते हो? तो ऐसे रहते बाबू, ये दुकान वाले दे दिए हैं। अच्छा, एक दयावान व्यक्ति ने आपको रहने के लिए दे दिया। हाँ। तो खाना पीना जैसे आप इसे लोगों से मांगते हो, उसी से खाना पीना करते हो? हाँ बाबू। नाम क्या आपका भैया? भोला तिवारी। सच में भोले भी बहुत हो आप, बहुत प्यारी मासूम सा चेहरा है आपका। चेहरा भगवान ऐसा बना दिए। नहीं चेहरा नहीं, आपका दिल भी अच्छा है भैया। दिल अच्छा तभी तो भगवान ने हम दोनों को मिलवाया। जी, शादी हो रखी है आपकी भैया? सच में मासूम तो भैया बहुत हो आप, आपकी स्माइल ही बहुत अच्छी है। लोग रहते हैं वहाँ से हैं जी? नहीं भी कुछ मिलते तो हम खुश ही जाते हैं यहाँ से। हंसते रहते हो ऐसे ही? हाँ हंसते रहते हैं। क्या बात है। तो ये और 10-5 रुपए दे दिए तो और खुश हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, दिन भर से मैं अभी तक खाना भी नहीं खाया फिर भी स्माइल आ जाते हैं। हमेशा खुश रहते हो भैया? हाँ जी, बहुत खुश रहते हैं हमेशा। बहुत बढ़िया। त्याग रहे जब तो नहीं मदद करते तो हम रोने से तो दे दें है जी, रोने से तो दे दे बाबू। हाँ, हंसते रहते तो नहीं भी देने वाले रहते, 10-5 रुपए हमें दे देते। अच्छा, जो नहीं भी देता उसमें भी हंस देते हो? हाँ जी। और जो दे देता उसमें भी खुश रहते हो? हाँ जी। मतलब दोनों में परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते आप ना? तो ये किसने आपको अच्छी सीख दी, मतलब हमेशा मुस्कुराना है, कभी परेशान नहीं होना? नहीं पता नहीं, हमारा भगवान ने। हाँ जी, आदत ही है हमारा यही। अच्छा, किसी से बात भी करते तो हंसते हंसते ही बात करते बाबू। अच्छा, जिससे बात करते हो हंस के बात करते हो? हाँ जी। ऐसा ना भैया, देखो आपने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, और गांव से आए द्रीडी से बाबू। कहाँ पीछे, गांव से कहाँ से हो आप? देवधर पढ़ते हैं। देवधर? हाँ देवधर, झारखंड में आ जाते हैं। झारखंड में? हाँ जी, बाबा धाम। वहाँ से कैसे आया आप यहाँ पे? काफी दिन से हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। हाँ जी बाबू। तो कुछ और काम आपने ढूंढा, मतलब कुछ कि मतलब कुछ और भी कर सकते हो किसी की दुकान के अंदर? नहीं, हम काम दे तो आए दिल्ली में तो बर्तन भी धोए, कैंटीन में भी बर्तन धोए। बर्तन भी धोए आपने? हाँ, कपड़े वाले भी दुकान में झाड़ू पोछे लगाए। तो 30 रुपए दे रहा था बाबू, तो क्या हो, तो 10 रुपए तो हमारे जाने और आने में रिक्शे किराए हो जाते थे। 30 रुपए दे रहा था बस? हाँ रोज थे। तो उससे गुजारा नहीं चल रहा था आपका? नहीं, तब हम लास्ट में मानने लगे। 100-200 अभी भी मुस्कुरा रहे हो आप? हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। वही तो, माँ बाप से मिलने जाते हो झारखंड? नहीं जा पाते, नहीं जा पाते। यहाँ पे कितना टाइम पहले आए थे आप? आए थे उसमें मेरा दाढ़ी मूंछ नहीं आया था। दाढ़ी मूंछ नहीं था तब दिल्ली आ गए थे आप? हाँ जी। हम काफी दिन से दिल्ली घूम रहे हैं। नहीं नहीं सही है। तो अब यहाँ से द्वारका से रोहिणी कैसे जाओगे आप? वो 768 में सेक्टर 1 से जानी पड़े भैया। बस पकड़ के जाओगे? उसमें किसी दिन टिकट ले लेता है जी, उसमें भी किसी दिन टिकट ले ले पड़ते हैं 10 रुपया था टिकट। अच्छा, माफ नहीं करते टिकट? नहीं, टीटी वाले वो चढ़ जाते हैं ना। अच्छा, तो दबा देता, बोलता पास नहीं है तो टिकट आप बनवा लो। आप उनको बोलो ना, मैं तो कमाता ही नहीं, मेरे को ऐसे दिक्कत। ऐसे हालत में तो थाते फिर भी नहीं मानते। अच्छा, किसी किसी के पास बड़ा दिल होता है, किसी के पास दिल होता नहीं, क्या कहें भैया। आने से तो आज नहीं लिए। अच्छा, आज नहीं लिए।
मेरे को आपकी एक बात अच्छी लगी कि 5 रुपए कोई देता तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत जबरदस्त आ जाती है। हाँ जी, खुश हो जाते हैं। खाने पीने का सामान नहीं, हम नहीं लेते हैं। अच्छा, जो 2 रुपए दे देता वही काफी है। नहीं, खाने पीने का सामान नहीं लेते आप? नहीं। क्यों, खाने पीने का सामान सही रहता है? ले चल नहीं पाते हैं ना। अच्छा, लेके नहीं चल पाते आप? स्थिति देखिए ना, हमारे कितना दमीर है। तो जबरदस्ती दे देता, स्थिति पर रख लेते हैं। पहले उसको हाथ जोड़ लेते हैं, दो दीदी हमारे से भैया, ये 2 रुपए जो भी दे दो वही हमारे स्वागत होगा, हाथ उठाते दो। उम्र कितनी है आपकी? हमारे बाबू जी की उम्र कितना हो गए? 24 हो गए, 24 साल हो गए। 24 साल के बाद? उससे नीचे ही हो गए। अच्छा, ऐसे मानने लिए दाढ़ी उड़ी बढ़ा दे। यहाँ पे तो घर जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे कंबल अम्बल सब कुछ है? हाँ, सब चीज़ है बाबू जी। तो सुबह जो नाश्ता वास्ता कैसे करते हो? नहीं, नाश्ता नहीं करते हैं, सोते उठे, नहाए धोए, तिलक लगाए, बस बस पतले चले आए दरबार पे ही। अच्छा। हाँ जी बाबू, बहुत बढ़िया। जो मिल जाए 2 रुपया वही सही है। अभी खाना खा लिया आपने भैया? नहीं, अभी खाना नहीं खाया। नहीं, हम इतनी बार 10 बजे रात में ही पहुँचे रोहिणी, वहीं रोटी वोटी बनाएंगे और अपने हाथ से खाएंगे। अच्छा, रोटी खुद बनाओगे, खुद हाथ से खाओगे? और वैसे दोपहर को शाम को क्या खाते वहाँ पर? कुछ नहीं। क्यों? मुँह ऐसे सूख रहे, ऐसे धूमते रहते हैं। भूखे रह लेते हो? हाँ जी बाबू, आदत पड़ रहा है ना, एक टाइम खाते हैं शाम को सिर्फ, और नहीं जाते हैं तो बाहर हुआ फिर दाल चावल बना लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे द्वारका मार्केट में ही आते हो हमेशा? हाँ, शनिवार तो सिर्फ आते हैं। शनिवार को आते हो? हाँ, बाकी दिन? बाकी दिन और कहाँ, इधर उधर वही शिव मार्केट सब सामने वाली मार्केट में। नहीं, ये तो एक दिन में पूरे हम घूमते चले जाते हैं। अच्छा, पूरे दिन में कितना कितना लोग दे देते हैं पैसे आपको? इसी तरह देते हैं 10-5। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 800-900 हो जाते हैं। हाँ बाबू, रोज के? हाँ रोज। नहीं, रोज हम नहीं मान पाते। आपका मन साफ है तभी सच बोल रहे हो आप। 800-900 दबाते हैं। अभी मंदी चल रही बाजार, कस्टमर लोग नहीं है ना, तो जिससे दुकान वाले कितना देते हैं, 5 रुपए से 2 रुपया, जिसे आप लोग आए तो 10-5 रुपए पकड़ा दे। अच्छा, जिस तरह आ जाते हैं हमारी स्थिति देखते, जो इस तरह स्थिति पूरा दम ही रहे तो 100-200 पकड़ा ही देते हैं। समझ गया। तो मैं एक काम करूँ आपके लिए आज? हाँ। इस मार्केट में जो भी खाने पीने वाला व्यक्ति है, मतलब जो खाना बनाता है, जो दुकानदार है, हाँ, उसको महीने के लिए महीने के पैसे दे दूँ, महीने में खाना खिलाता रहेगा आपको? नहीं बाबू, ये तो हम पहल करो दें, हमारा तो खाना खिलाने वास्ते पूछते रहते हैं, हम जबरदस्ती नहीं खाते हैं। अच्छा, समझ गया। हम बोलते बाबू जो 2 रुपये दे दो दे वही हमारे चले दे दाल रोटी। समझ गया। एक टाइम हम तो आपके पास था ही लेन दे तो फिर और आधे हमारा तैयार होता। समझ गया। जैसे हम अभी खा लिए तो पेट तो भर जाए, तो आधे फिर नहीं चल पाएंगे, नहीं तो हमारे मन नहीं तरे दे हमारे। अच्छा। बूते प्यासी जितने दमा लेते हैं वही हमारे सुखी होते हैं। ऐसे भैया हमेशा हंसते रहना आप। हाँ जी, मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराने का नाम ही जिंदगी है। हाँ जी बाबू। मेरे पास ना अभी कैश नहीं बढ़ा भैया। हाँ जी, एक काम करते हैं, ATM चलो मेरे साथ आप। हाँ। मैं कुछ कैश निकाल के देता हूँ आपको। जैसे आते हैं आप हमेशा, लेकिन हंसते रहना ऐसे ही, हार नहीं माननी कभी जिंदगी से। ये जिंदगी बहुत प्यारी है भैया। हाँ, अनमोल जिंदगी है ये। प्यार बाबू, हमारी स्थिति ऐसा तमीर हो जाए तभी सबके सामने हाथ फैलाते हैं, जब अच्छे भाषे होते हैं तो हम काम नहीं करते बाबू। कोई भजन गाना आता है? राम राम बोलते हैं। कुछ कुछ और भजन में कुछ लाइनें बोलने आती है? भगवान का कोई भजन गा सकते हो? हाँ जी, गा के दिखाओ। एक लाइन, एक लाइन कोई भी दिल से सुनाओ। अरे मैया हमरी दुलारी सिरहनवा पंथा डूले हो लाल, मैया ते माथो में सिंदरा सोबे सोभेला नाथुन। माता रानी ता है? नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ भैया एक बार ATM तक आना साथ में।
तो आप सीधा घर चले जाओगे आप? हाँ हाँ जी बाबू, लगे भी नहीं होता चक्कर इसमें है? इसमें लगे भी थे, अब चले जाएंगे, मेहरबानी इतना कर दिए तो बस, अब बस पकड़ के चले जाना, ठीक है ना? हाँ भैया, मेरा दूध लेना है। दूध क्यों लेना आपने? कुत्ते को पिलाना है। अच्छा, इसको कुत्ते को पिलाना है? हाँ, जितने भी कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, ये तो पिला देता हूँ। अच्छा अच्छा, सारे उसमें बांटते पीते हैं अपने आप। अच्छा हाँ जी, तो मैं दिलवा देता हूँ आपको दूध, आ जाओ। ये दिल बहुत बड़ा आपका भैया, और इनकी सेवा तो करनी चाहिए। दोनों खोल देते हैं। हाँ दोनों खोल लो। इधर आसपास मार्केट में कहीं दूध नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्या। तो दोस्तों, देखा आपने एक विकलांग व्यक्ति जिसके पास पैसे तक नहीं थे, जिसको मैंने पैसे दिए, पैसे देने के बाद उस इंसान ने पहले अपना पेट नहीं, एक जानवर का पेट भरना सही समझा। तो दोस्तों, आज के टाइम पे भी ऐसे लोग हैं जो अपना पेट भरने से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद।